आप कहाँ से हो? हम चमराड़ा गांव से हैं जी, पानीपत जिला है। ओके जी, तो आपको यहाँ कितने दिन हो गए सर? ये 14 तारीख से आए हुए हैं जी। 14 तारीख से। तो आपको यहाँ पे जो डेली लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, भाई कपड़ों की भी है, यहाँ पे रहना, बारिश भी आ जाती है बीच में, उसको कैसे आप हैंडल करते हो उसको? ऐसा है जी, जैसा मौसम हो वैसे तो हमारे पास कपड़े तो है, लेकिन ज्यादा मौसम खराब हो तो उस हिसाब से फिर थोड़ी सी परेशानी तो होती है। तो आपको घर पे जाए कितने दिन हो गए अभी? घर पे जाए तो 8 दिन हो गए। हाथ अभी आप हरियाणा से ही हो अभी बोल रहे हैं कि? हाँ जी। तो और जो कपड़ों का कैसे कैसे धोते हैं? और बस कपड़े तो यही धो लें जी, वो पाइप वाइप में लगा के ना कपड़े धो लें, नहीं तो कोई गांव में जाए तो वहां से धुलवा के ले आते हैं। मतलब आप पहली बार ऐसे आंदोलन में, इतने बड़े आंदोलन में, इस तरह इतने दिन चल रहा है जो कि, तो पहली बार आपको कैसा मतलब है एक्सपीरियंस आपका अलग है कि घर से बाहर भी रहना? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आदमी अपने घर से घर बार छोड़ के अपनी खेती के लिए, किसानों के लिए यहाँ पे है परेशानी? भैया परेशानी तो जिंदगी का काम ही हमारा किसान है, परेशानी से कोई नहीं डरने वाला। ये सरकार की हो रही है नीति खराब है, लोग परेशानी दे रखी है उन्हें, को खुद खरीद के नहीं ले रहे हम तो। गवर्नमेंट ने करी है स्कीम गलत लगाई है, इसके लिए अपना करे प्रोटेस्ट अभी। तो आपको कैसे क्या लगता है सरकार कहाँ तक अभी आगे क्या फैसला होगा? उसकी मर्जी है, हम तो से मर जाए जाने वाले नहीं, इधर नहीं माने इतने बैठे हैं। जय मार के भगाओगा या कैसे करेगा वो गवर्नमेंट ने देखना है, मोदी सरकार ने देखना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी सरकार ने जो दो मांगे तो मांग ली हैं कि वो पराली जलाएंगे उस वो भी, और बिजली बिल भी वो हटा दिए हैं। अभी जो रहते हैं ये तीन कानून रहते हैं, अभी इन पे बोल रहे हैं किसान की 26 जनवरी को वहाँ पे जाएंगे। अगर फैसला नहीं होता तो 26 जनवरी को जाएंगे, लेकिन सरकार जो आश्वासन दे ना उसमें लिखित में दे, जमींदारों को हमें पता लगे भाई ठीक है गवर्नमेंट कुछ करेगी, हमारा धरना खत्म करा दे उसके बाद में फिर कुछ दे नहीं। तो ये जो है ना, जब तक सरकार से जमींदारों का बिल्कुल विश्वास नहीं हो जाता तब तक यहाँ से कोई जाने वाला नहीं, चाहे 2 महीने और लग जाए, चाहे 26 जनवरी से भी और आगे चलना पड़े। जब तक सरकार से हमारा समझौता नहीं होगा, जब तक सब संतुष्ट नहीं होंगे तब तक यहाँ से कोई हिलने वाला नहीं। अभी ये जो वर्कर, ये जो काम कर रहे हैं सारे चमराड़ा से, ये सब मेरे गांव के, सब चमराड़ा, सभी चमराड़ा से हैं, गांव के सहयोग से, सभी गांव के सहयोग से चला ये प्रोग्राम है। हां, ये अभी गांव से ही आता है, गांव का पूरा सहयोग है, सारे गांव का ही सहमति है, सभी छत्ती बिरादरी का ये सहयोग गांव का है, तो इसलिए यहां पे किसानों के लिए लंगर लगाया है। अभी बाहर के आदमी बोल रहे ना कि भाई पंजाबी पंजाबी है यहाँ पे, पंजाबी नहीं हरियाणा के से है सारे, सभी हर 36 बिरादरी आती है। आप देख लो, आप यहाँ देख सकते हैं 36 बिरादरी काम करती है यहाँ पे, हर एक जिसके पास, मान लिया जैसे मेरे पास 10 एकड़ जमीन है तो मैंने हर 500-500 रुपए एक एकड़ के हिसाब से इकट्ठे किया है, अनाज भी इकट्ठा करके 2 ट्राली अनाज पिसवा के लिए आए थे, आता रहता गांव से राशन। आपके गांव के सरपंच का भी सहयोग रहा है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे गांव के सरपंच का भी पूरा सहयोग है, वो तो 36 बिरादरी का सहयोग है, हमारा पूरी टीम है गाँव की, तो ये हमारा पूरा जो खाने का लंगर लगाया है किसानों के लिए उसी पूरे गाँव की सहमति से। चलो अच्छी बात है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर ले परेड में जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है।